वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के जो टॉप कमेंट्स हैं वो मैंने अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दिए। एंड अगर आप लोगों को भी यहाँ पे फीचर होना है तो आप लोग भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड आज आपको यार एनर्जी थोड़ी लो लग सकती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड इसके बाद जो सब्सक्राइबर गोल है वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, तो होप करता हूँ आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है रेगल टॉस को लेकर। तो जो रेगल टॉस है उनसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे ई स्पोर्ट्स कमबैक से रिलेटेड, जिसके ऊपर उन्होंने पहले भी रिप्लाई कराया। उन्होंने एक और बार रिप्लाई करा BGMI के आने के बाद, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। हर गेम में चलाता है, हर गेम में चलाता है। अक्षु के मुंह पे मारे एक थप्पड़ मारे। गाइस कभी-कभी अक्षु को और गेम खेलता है। बाय द वे यार जितने लोग मेरे बट अनफॉर्चुनेटली 6 घंटा उसका देखते हैं यार क्या सीन है। आई प्ले गेम। हे वंश भाई, हे करण भाई, हेलो करण भाई, कैसे हो कैसे हो गाइस गाइस गाइस। हम आएंगे वापस ई स्पोर्ट्स में, विल प्ले एंड मेक श्योर कि मैं एक महीने पता नहीं ज्यादा होते कम होते हैं, ट्राई कि मैं एक महीने में वापस गेम अपने आप पे काम करूं, अपने गेम पे काम करूं। ठीक है गाइस, आई ट्राई कि गेम पे काम हो, है ना जोकर सेट। क्योंकि क्योंकि जो अभी की मतलब स्क्रिम्स के लोग हैं वो बहुत आगे हैं मेरे से, तो आई ट्राई गाइस उन लोग को थोड़ा सा अपने मतलब उस पर करना। और तेरी बहन करना चाह दिया मेरे को। अरे यार गोल्डी भाई अलग ही मस्ती करते हैं यार। अरे ये टोपी तो यार लेट्स 1xbet। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 1xbet के बारे में, जहाँ पे आप लोग प्रिडिक्शन करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। काफी सारे प्रोमोज एंड आईफोन गिव अवेज इनकी वेबसाइट पे चल रहे हैं। एंड 1xbet पे आप लोगों को लोकल सपोर्ट, लोकल पेमेंट मेथड मिल जाएगा जो कि बाकी ऐप से यार काफी ज्यादा बेटर है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग 24/7 सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। एंड एवरी संडे आप लोगों को इनके सोशल्स पे फ्री स्पिन प्रोमो कोड मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से साइन अप करते हैं तो आप लोगों को 26,000 तक का बोनस मिल सकता है। तो जल्दी जाओ प्रेडिक्शन करो, काफी अच्छा अर्न करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। के बाद आप लोगों को भी पता ही है हमारे को एक 6 आवर्स वाला रूल जो है वो देखने को मिला था, जो काफी स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। क्योंकि आप लोगों को भी पता ही है वो स्क्रिम्स करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं जो कि 6 घंटे से काफी ज्यादा हो जाता है। एंड इसके बाद सब इसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो जो स्काउट है उन्होंने इस चीज के ऊपर बात करी है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। रविशंद्र भाई जवान दिया आपको, आपको क्या मैंने पूरे देश को जवान दे रखी है। तोड़ेंगे और सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सारे, खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, इंडिया का हाईएस्ट पोजीशन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वापस वो इंडियन फ्लैग को टॉप पे देखेंगे, वी विल सी दैट। सिर्फ 6 घंटे खेल पा रहे, यस आई नो वो 6 आवर्स वाला जो है, आई होप कि जल्दी से कोई सोल्यूशन निकल जाए। हमने एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला उस चीज़ का, जो है कि हम लोग ई स्पोर्ट्स एक अलग आईडी से खेलेंगे और क्लासिक स्ट्रीम्स अलग आईडी से करेंगे। आई होप ये मैनेजेबल रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या सोचे कि ई स्पोर्ट्स हम लोग कॉम्पिटिटिव सिनेरियो रहेगा, दिन का 6 घंटा तो आई थिंक खेल ही सकते हैं, तो वो 6 घंटा हम लोग न्यू आईडी से खेल लेंगे और बाकी स्ट्रीम क्लासिक खेलना सब कुछ हम खेलेंगे अपने मेन आईडी से, जब तक कुछ एक सोल्यूशन नहीं निकलता। आई पर्सनली फील कि गेम के लिए सोल्यूशन तो निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा, क्योंकि यार BGMI आया यार, ऐसा उन लोग थोड़ी करेंगे कि अपने व्यूअर्स को उन लोग अपने प्लेयर बेस के लिए कुछ ना करें। बीजे क्राफ्टन सोचता हर चीज़ यार, गुड टू सी बैक टू डोमिनेट, जरूर डोमिनेट करेंगे। 1 साल बर्बाद के उसकी भरपाई तो करनी है डबल मेहनत करके। इसके बाद जो सोलो मैंने उनसे भी काफ़ी लोग ये की चीज़ पूछ रहे थे कि उनका हमारे को कमबैक देखने को मिलेगा ई स्पोर्ट्स में, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। हाय कैन वी सी यू BGMI ई स्पोर्ट्स कमबैक, रुद्र पटेल। हाँ BGMI का आने दो, गेम प्ले हमारा कैसा रहेगा हम देखेंगे, अगर हमारा गेम प्ले रहेगा टॉप क्लास तो हम वापस से BGMI ई स्पोर्ट्स में कमबैक करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी अपन थोड़ा क्लासिक खेलेंगे, स्किल्स टेस्ट करेंगे हमारी कहाँ तक है, कितना हम नीचे गिरे हैं, वापस ऊपर उठेंगे एंड देन उसके बाद विल प्ले BGMI ई स्पोर्ट्स। इसके बाद जो थक भाई हैं उनसे काफ़ी लोग एक चीज़ पूछ रहे थे कि जो सोल प्लेयर्स हैं वो स्क्रिम्स को स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ का उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। बेटर क्यों
फोकस इज ट्रॉफी उनके लिए, तो ट्रॉफी पे ही फोकस कराएंगे, दैट इज व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू स्ट्रीम स्क्रिम्स फॉर नाउ. थोड़ा फ्लो वापस आ जाए, थोड़ा तबाही मचाने लग जाए, फिर उनको डाल देंगे. इसके बाद जो पंग है उनसे काफी लोग उनके लाइनअप एंड ऑर्ग से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने बात करी एंड फाइनली उन्होंने अपना जो लाइनअप है वो रिवील कर दिया अपनी स्ट्रीम पे. तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं. टीम लिक्स दे दो, चलो टीम लिक्स दे रखी है यार, इनडायरेक्टली सबको पता ही है भाई, मैं क्या बोलूं ये बताओ. और क्लिक दे दो, देंगे भाई. ए यार थोड़ा सा भी दे दिया ना तुम लोग, फिर हरामी तो ही तुम लोग, पता लगा ही लोगे. थोड़ा भी नहीं दूंगा. लाइनअप क्या है इस बार पता चल जाएगा भाई, अभी तुम लोग को पता था ही. अभी अपने लाइनअप में देखो मैं बताता, मैं इमोर्टल है, बाकी इम्पोर्ट करके वो तो बहुत मुश्किल से भाई, तो खेलता मस्त है लेकिन वो. और एक ऑक्टावियस है, एक और प्लेयर भी है, उसका थोड़ा लेट होएगा अनाउंसमेंट वगैरह. सब अच्छा खेलते हैं वैसे, सबको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो तो कर देंगे. हिम्मत तो है ही एक्सपीरियंस प्लेयर, बाकी ये थोड़े से है ना समझ लो वो है ना, तो T1 एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, थोड़े थोड़े पैनिक वगैरह, बट सही है इनमें वो है सीखने का, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीख लेंगे. एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है SATL को लेके. तो SATL से रिलेटेड यार काफ़ी बड़ी लीक्स मेरे को मिली है, एंड ये सुन के आप भी शॉक हो जाने वाले हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. एंड इस चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे शाम को बताने वाला हूँ, लोगों को भी ये लीक्स पसंद आने वाली है. तो जल्दी जाओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वीडियो से पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ जाएगा एंड आप लोगों को वहाँ पे पता लग जाएगा. एंड साथ में जो थक भाई हैं उनसे भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो रेगल टॉस है वो हमारे को 8-bit के लाइनअप के साथ खेलते हुए दिख सकते हैं, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो. थक भाई क्या रहेगा भाई 8-bit से आएगा कॉम्पी में? नहीं वाइपिंग प्रॉब्लम का वटका. इसके बाद जो गोल्डी भाई हैं जब वो स्ट्रीम पे आए थे तो काफी लोग उनसे एक चीज पूछ रहे थे कि जो कनिका है वो हमारे को SATL ज्वाइन करती हुई दिखाई देंगी, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं. हेलो बबर साहब, व्हाट्स अप? कन्नी ज्वाइनिंग SATL है? ये क्या बात है भाई, ये उमंग को लेकर मुझे लग रहा है सिल्वर जाना होगा नेक्स्ट गेम से. लॉन्च पार्टी लीक दो, ये कौन है जो फैला रहा है लॉन्च पार्टी के बारे में? तुम लोग को पहले भी मैंने बोला भाई, गेम बैन थोड़ी ना हुआ था, सस्पेंड हुआ था, तो उसके लिए कौन सा लॉन्च पार्टी? मेरे को नहीं आइडिया इस चीज़ के बारे में, पहले भी मैंने यही बोला था, पॉसिबल ही नहीं है, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ. बाकी तुम्हारी मर्जी, जो बोल रहा है उसकी सुन लो. ऑफिशियल टूर्नामेंट्स लीक्स? नहीं यार, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स फिलहाल के लिए तो नहीं है. और मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, मुझे नहीं पता लॉन्च पार्टी और इन सब के बारे में, तो मेरे से मत पूछो, मैंने पहले भी मना किया था, अभी भी मना कर रहा हूँ. तो यार अनऑफिशियल टूर्नामेंट सुना तो है मैंने कि बहुत सारे थर्ड पार्टीज इवेंट होने वाले हैं, जिस तरीके से तुम अभी देख रहे हो कि सडनली जैसे ही गेम लॉन्च हुआ इतने सारे स्क्रिम्स और ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें, इतना सब कुछ हो गया. और मैं उम्मीद करता हूँ थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स हों. तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना.